हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रॉपर क्लास में। हम लोग अध्याय 3 में पढ़ने वाले हैं सभी चीज़ों को, और इससे पहले की जो चीज़ें हैं सबको हमने बहुत ही बारीकी से समझा है, बनाया है। और जो नए हमारे व्यूअर हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें बिहार बोर्ड की जो हिंदी मीडियम की जो गणित होती है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, और कक्षा की बात करें तो कक्षा आपका 8 है। इस वीडियो से पहले हम लोग अध्याय 3 के पहले की जो भी प्रश्नावली है उन सबको हमने बहुत ही बारीकी से समझा है और बनाया है। अगर आप नए व्यूअर हैं और आप नहीं देखे हैं और आपको किसी भी प्रश्नावली से किसी भी सवाल को लेकर के डाउट है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के लिए आपको क्या करना होगा कि वीडियो के नीचे जो टाइटल दिख रहा है ना, उस टाइटल पर आपको क्लिक करना है। और जैसे क्लिक कीजिएगा वो चार्ट निकल के आ जाएगा, और उसमें आपका क्लास 8 लिखा होगा, वहाँ पर आपको प्रश्नावली 1.2, 1.3 या 1.1 करके ऐसे लिखा होगा। जिस प्रश्नावली से डाउट है वहाँ पर आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। अध्याय 3 में हम लोग समझेंगे ज्यामितीय आकृतियों की समझ, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, ठीक ना। इसमें बहुभुज ही सब के सब बहुभुज से ही संबंधित इसमें प्रश्न होगा, और उसी को हम लोग समझने वाले हैं। तो पहले समझ लेते हैं हम लोग कि बंद आकृति क्या है, ठीक ना। इसमें देखिए, ये आपका बंद आकृति है, ये भी बंद आकृति है, ये भी बंद आकृति है, लेकिन ये क्या है, बंद आकृति नहीं है। फिर इसमें क्या आता है, इसमें पूछा जाता है कि सरल आकृति कौन सा है। तो सरल आकृति देखिए उसको कहेंगे जो एक दूसरे को क्या हो, काटता नहीं हो। यहाँ देखिए काट रहा है ना, यहाँ से ऐसे गया हुआ है और ऐसे काट दिया है, तो ये आपको कहेंगे हम लोग कि यह सरल आकृति नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, यह एक दूसरे को काटा नहीं है, यह भी नहीं काटा है, और ये इसमें जो भी आपको दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जो भी आकृतियाँ हैं एक दूसरे को नहीं काटा है, इसको कहेंगे हम लोग सरल आकृति। और इसको क्या कहेंगे हम लोग, सरल आकृति यह नहीं है, और लेकिन ये बंद आकृति है। बंद आकृति में भी देखिए दो, यहाँ पे 5, 6 और 7 नंबर जो दिया हुआ आकृति ये बंद आकृति है, और लेकिन बंद आकृति में भी ये दोनों सरल है और ये सरल नहीं है। तो आपको क्लियर हो गया कि सरल आकृति क्या है, बंद आकृति क्या है। हम लोग इसमें समझेंगे बहुभुज, ठीक ना। तो बहुभुज को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं अंग्रेजी में। और यहाँ समझिए, देखिए यहाँ पहले ही लिखा हुआ है कि रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। यानी देखिए यहाँ ये सरल आकृति है और क्या है, बंद भी है, ठीक ना। तो बंद है और सरल है, इसी को हम लोग बहुभुज कहते हैं। फिर यहाँ देखिए इनका नामकरण हम करते हैं, ये बहुभुज तो है, बहुभुज का मतलब हुआ है कि बहुत सारे भुजाएं हो लेकिन बंद हो, ठीक ना। जैसे मान लीजिए ये सभी हैं, ये बहुभुज है, ये भी बहुभुज है, इसमें बहुत से भुजा हैं लेकिन बंद है, इसमें भी बहुत से भुजा है लेकिन बंद है, इसमें भी ज़्यादा भुजा है और बंद है। तो इस तरह की आकृतियाँ जो होती है ना, इसी को बहुभुज कहते हैं। लेकिन बहुभुज में भी इनको अलग अलग नामों से जानते हैं, और कैसे जानते हैं, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है पहले कि बहुभुज का नामकरण हम उनकी भुजा या उसके शीर्षों की संख्या के आधार पर करते हैं। यानी हम उनके भुजा को गिन के या उनके शीर्षों को गिन करके उनको हम उनका नाम हम दे देते हैं। जैसे देखिए यहाँ कितना शीर्ष है, 1, 2 और 3 है, या भुजा की बात करें तो भुजा भी देखिए 1, 2 और 3 है, 3 है, तो हम क्या कह दिए उसको, त्रिभुज कह दिए, ठीक ना। ये त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब क्या है, संस्कृत भाषा से है, और संस्कृत भाषा में हम एक बार देख लेते हैं क्या है, संस्कृत में क्या होता है, एक के लिए लिखा होता है प्रथम, जैसे एक होगा तो उसको लिखेंगे प्रथम, 2 होगा तो द्वितीय, 3 होगा तो तृतीय, 4 होगा तो चतुर्थ, 5 को पंचम, और 6 को षष्ठम, 7 को सप्तम, 8 को अष्टम, 9 को नवम और 10 को दशम, ठीक ना। तो इसी के संस्कृत भाषा से हम क्या बना हुआ है, बहुभुजों का नाम बना हुआ है। तो देखिए यहाँ 3 भुजा है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए 3 के लिए क्या लिखते हैं, तृतीय। तो 3 भुजा जिसमें होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, त्रिभुज कहेंगे, ठीक ना, त्रिभुज। और कैसा होगा, तो 3 भुजा होगा। उसके बाद यहाँ देखिए क्या है, 4 भुजा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, 4 भुजा, देखिए चतुर, चतुर्थ लिखा है ना, तो चतुर्थ लिखा है तो क्या हो जाएगा, इसे चतुर्थ से हो जाएगा चतुर्भुज, ठीक ना, चतुर्भुज आपका हो गया चतुर्भुज, और 4 भुजा इस तरह से होगा, ठीक ना। तो चतुर्भुज हो गया, उस तरह से क्या हो जाएगा आपका, पंचभुज हो जाएगा, पंचभुज। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, षष्ठ, ये आपका हो जाएगा षष्ठ भुज, ठीक ना, षष्ठ भुज हो जाएगा।
जिसका सात भुजा होगा उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सप्त सप्तभुज, ठीक ना, सप्तभुज कहेंगे। और जिसका आठ भुजा होगा उसको क्या कहेंगे, अष्टभुज, अष्टभुज कहेंगे। और नौ भुजा वाले को कहेंगे हम लोग नवभुज, नवभुज। दस भुजा वाला का कहेंगे दशभुज, ठीक ना। इस तरह से इसका नामकरण किया गया है। तो समझ में आ गया होगा आपका कि किस तरह से भुजा के आधार पर या उसके कोणों के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। यहाँ देखते हैं इसमें कितना भुजा है, पाँच है, तो देखिए पाँच यानी पंचभुज, छः है षष्ठभुज, ठीक ना। और उस तरह से यहाँ पे देखिए सात है तो इसका हो गया सप्तभुज। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके विकर्ण के बारे में, ठीक ना, बहुभुज का विकर्ण। तो विकर्ण में क्या होता है, देखिए यहाँ हम लोग देखते हैं कि विकर्ण हम वैसे खींचते हैं जैसे इस यहाँ से हमको खींचना है, तो पहले वाले कोण को छोड़ करके दूसरे से हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, यानी इसको हम इसको मिला देंगे। इसी तरह से अगर यहाँ से हमको अगर विकर्ण खींचना होगा तो इससे सटे हुए जो होता है ना उसको हम छोड़ देंगे, एक गैप दे करके दूसरे से क्या करते हैं हम एक रेखा खींच देते हैं, मिला देते हैं दोनों कोणों को, तो क्या होता है आपका विकर्ण होता है। तो इसमें देखिए टोटल कितना हो रहा है, दो ही विकर्ण बन पाएगा, ठीक ना। और यहाँ देखिए ये पंचभुज है, यहाँ से खींचना है तो एक को जैसे होता है ना एक को छोड़ करके दूसरे से खींचना है, और उसके बाद लगातार खींचते रहेंगे। यहाँ मतलब कि क्या हो, ये आसन कोण नहीं होना चाहिए, जैसे कि यह रेखा है तो यहाँ से हमको खींचना है तो यह आसन कोण इसको कहलाएगा, जैसे इसी रेखा पर क्या हो बना हो, ठीक ना। यहाँ देखिए इसी रेखा पर यह भी कोण बना है और यह भी कोण बना है, यानी आसन कोण को छोड़ करके दूसरे भुजाओं से हम क्या करते हैं, मिला सकते हैं उसको, लेकिन आसन कोण को आप नहीं मिला सकते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, विकर्ण खींचते हैं, ठीक ना। उसी तरह से इसमें भी खींचेंगे, और इस रेखा पर यह यहाँ कोण बन रहा है तो इसको और इसको छोड़ करके हम यहाँ से इसको ऐसे मिला सकते हैं, ठीक ना, और इसको मिला सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे नहीं मिलाएंगे क्योंकि ये तो रेखा ऐसे ही यहाँ पर मिली हुई है, ठीक ना। तो ये आपका विकर्ण ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खिंचाएगा, फिर ऐसे खिंचाएगा, फिर ऐसे खिंचाएगा, लेकिन यहाँ नहीं खिंचाएगा, ठीक। तो यहाँ इसको समझते हैं, यहाँ हिंदी में भी लिखा गया है, आप नोट कर सकते हैं, हमने हाईलाइट कर दिया हुआ है। बहुभुज में उसके किसी दो शीर्षों यानी आसन शीर्षों को छोड़कर, यानी आसन शीर्ष यानी देखिए ये जो आपका है शीर्ष है और इसी रेखा पर यह भी शीर्ष बना है, तो यानी इनको छोड़ करके दूसरे से, ठीक ना, को मिलाने वाले इनको छोड़ करके शीर्षों को क्या किया है कि दो शीर्षों किसको किसको, तो आसन शीर्षों को छोड़ करके क्या करना है, मिलाने वाला यह रेखाखंड एक बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो यहाँ देखिए कुछ कहा है कि ऊपर बने बहुभुज के शीर्षों तथा खींचे गए विकर्णों के नाम लिखिए। तो यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं ऐसे, आकृति एक दो और तीन दिया है, आकृति एक दो और तीन दिया है। इसमें पूछा गया है कि कितने इसमें जो है शीर्ष है और कितना इसमें विकर्ण है। तो शीर्ष आपको पता है, ये पहला वाला में देखिए एक दो तीन चार, चार शीर्ष है, तो यहाँ हम क्या भर देंगे, चार शीर्ष भर देंगे, लेकिन कौन कौन सा शीर्ष भरेंगे इसका नाम हम लिख देंगे ए, ठीक ना, ए बी सी और डी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए बी सी और डी लिखा हुआ है, इसलिए हम क्या करें यहाँ पर ए बी सी और डी भर दिया। अब विकर्ण की बात करें तो विकर्ण यहाँ पर क्या है, विकर्ण ए और सी है, ठीक ना, तो विकर्ण का नाम क्या हो गया आपका, ए सी हो गया। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, ए और सी, दो विकर्ण है इसमें, तो एक और विकर्ण कौन सा बनेगा, बी और डी बनेगा। यहाँ से हम ऐसे रेखा खींचेंगे तो एक विकर्ण बन जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग बी और डी। इस तरह से आप इसको भर सकते हैं दूसरे को और तीसरे को देख करके, ठीक ना। आगे पढ़ते हैं बहुभुज का अभ्यंतर एवं बहिर्भाग, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ पॉलीगन, यानी जो बहुभुज है उसके जो बहिर्भाग और अंतः भाग को हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए चतुर्भुज के अंदर का भाग क्या कहलाता है, अभ्यंतर, यानी अंदर के जो भाग होता है ना उसको कहेंगे हम लोग अभ्यंतर, और जो इस रेखा के बाहर यानी इस आकृति के जो बाहर होगा उसको कहेंगे बहिर्भाग, ठीक ना। इसको अंतः भाग या अभ्यंतर भाग भी कहते हैं इसमें, ठीक ना। तो जैसे देखिए इसमें समझाया गया है कि एक खेत है, उसका ये मेड़ बना हुआ है, और मेड़ के अंदर यानी खेत के अंदर कितने खरगोश हैं और उसके बाहर कितने खरगोश हैं ये सबको दिखलाया गया है। तो देखिए यहाँ पूछेगा कि ऐसे आकृति दे देगा और पूछ देगा कि इस प्लॉट के या इस खेत के
अंतः भाग में या अभ्यंतर में कितने खरगोश हैं? तो देखिए यहाँ गिन के बता देंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 हैं। और यही पूछ देगा कि इस प्लॉट के बहिर्भाग में कितने खरगोश हैं, तो यहाँ देखिए 1, 2 और 3 खरगोश हैं और 3 हम बता देंगे। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि हर बंद आकृति यानी बंद आकृति ही होना चाहिए, खुला आकृति नहीं होना चाहिए। अगर खुला आकृति होगा तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा अंतः भाग है और कौन सा बहिर्भाग है, तो वो क्या होना चाहिए, वह आकृति बंद होना चाहिए। तो हर हर बंद आकृति के अंदर का हिस्सा क्या कहलाता है, उसका अभ्यंतर, और बाहर का हिस्सा जो होता है उसको कहते हैं बहिर्भाग, ठीक ना। अब हम समझते हैं कि उत्तल एवं अवतल बहुभुज क्या है। ये आपका आकृति जो है ना, और ये उत्तल है, ये क्या है, ये भी उत्तल है, और ये आकृति जो है अंदर की तरफ क्या है, धंसा हुआ है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, अवतल आकृति कहेंगे। तो क्लियर हुआ होगा, जिसका जो है थोड़ा सा बाहर निकला हो या बाहर नहीं निकला हो, बराबर हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उत्तल कहेंगे, और जो अंदर की तरफ धसा होगा उसको कहेंगे हम लोग अवतल आकृति। फिर हम समझेंगे कि इसमें कौन सी आकृति सम है और कौन सी आकृति विषम है ना। तो सम के बारे में समझते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि जब बहुभुज में सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण समान माप के हो तो वह सम बहुभुज कहलाता है। यानी कोई भी आकृति हो वह क्या होना चाहिए, जब उसकी भुजाएं एवं अंतःकोण क्या हो, समान माप का हो, तो उसको हम सम बहुभुज कहेंगे। अगर इस तरह का नियम नहीं पालन करता है, जिसका कोण जिसका अंतःकोण बराबर नहीं हो और भुजा भी बराबर नहीं हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, विषमभुज कहेंगे। यहाँ समझाया गया है कि वर्ग एवं समबाहु त्रिभुज क्या है, समबहुभुज के उदाहरण हैं। समबहुभुज देखते हैं यहाँ पर, समबहुभुज क्या है, तो समबहुभुज को जैसे मान लीजिए कि एक क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज, ठीक ना। समबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ कि ये आपका जो भुजा है ये भी बराबर है, और ये कोण भी जो क्या है, अंतः कोण क्या है, बराबर है, तो इसको कहेंगे समबहुभुज, ठीक ना। इस तरह से दिया गया हो, इस तरह से कुछ, तो इसको हम समबहुभुज नहीं कहेंगे, क्योंकि इसकी जो भुजा है ये बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर हो सकता है, लेकिन ये बराबर आपका कभी भी नहीं होगा, ठीक ना। और ना ही इसका जो कोण है ये बराबर होगा। ये दोनों बराबर हो सकता है, लेकिन यह बराबर और ये नहीं हो सकता है। तो इस तरह की आकृति को क्या कहेंगे हम लोग, विषम बहुभुज कहेंगे, और इसको कहेंगे हम लोग समबहुभुज। उसी तरह से वर्ग का दिया हुआ है, तो वर्ग है जो आपका इस तरह से होता है कुछ। इसमें भी क्या होता है कि सभी भुजा जो होता है वह आपका बराबर होता है, और बराबर जहाँ रहता है इस तरह से हम लोग उसको चिन्हित कर देते हैं कि ये क्या है, चारों के चारों आपस में बराबर है, और कोण भी क्या है इसका, आपस में बराबर है, यानी अंतःकोण इसका बराबर, सभी एक दूसरे के बराबर हैं, और इसके जो भुजा है ये भी एक दूसरे के बराबर हैं। इस तरह के बहुभुज को क्या कहेंगे हम लोग, समबहुभुज कहेंगे। और जिसका जो है मान लीजिए कि ऐसा कुछ हो, बहुभुज बनाते हैं चतुर्भुज, ठीक ना, तो इसका क्या होगा, आपका ये और ये कोण आपका बराबर नहीं होगा, भले इसका भुजा क्या हो जाए, भुजा बराबर हो, लेकिन आपका कोण क्या हो, बराबर नहीं होगा। तो जब इसका कोण बराबर नहीं है तो इसको हम लोग विषम बहुभुज कहेंगे, ठीक ना, और इसको हम लोग कहेंगे समबहुभुज। तो ये भी समझ में आ गया होगा कि समबहुभुज क्या है और विषम बहुभुज क्या है। ये देखिए भुजा बराबर है लेकिन इसका कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये आपका विषम बहुभुज हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि बहुभुज के अंतःकोणों के माप का योग। तो हम बहुभुज के अंतःकोणों के माप को समझेंगे कि कैसे उसको मापते हैं और कैसे उसको निकालते हैं। तो देखिए यहाँ एक चतुर्भुज है, ये यहाँ पर एक पंचभुज है। जैसे मान लीजिए एक यह आपका चतुर्भुज हो गया चार भुजा वाला, यहाँ पर एक पंचभुज हम बना देते हैं, उसके बाद एक हम यहाँ पे हम षटभुज बना देते हैं, षष्ठभुज इस तरह से, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या हो गया आपका, 6 भुजा वाला हो गया। इसमें कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, इसमें हम 2 त्रिभुज बना सकते हैं। ऐसे अगर हम एक रेखा खींच दें तो इसमें देखिए 2 त्रिभुज बन जा रहा है। इसी तरह से इसमें अगर हम त्रिभुज बनाएं तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए यहाँ से हम खींचें एक त्रिभुज बन गया, फिर अगर इस तरह से हम खींच देते हैं तो एक और बन गया, यानी 1, 2 और 3 त्रिभुज बना। इससे अगर हम अधिक खींचेंगे तो यह विकर्ण जो है एक दूसरे को काटेगा, तो हमको
इस तरह से इसको विकर्ण खींचना है ना, कि एक दूसरे को काटे नहीं। जैसे यहाँ पर अगर हम ऐसे खींचेंगे एक दूसरा विकर्ण तो एक दूसरे को काट देगा, अगर यहाँ भी हम ऐसे खींचते हैं तो एक दूसरे को विकर्ण काट देता है, या ऐसे हम खींचें तो यह एक दूसरे को काटेगा। तो इसलिए इस तरह का इसमें विकर्ण खींचना है कि वह एक दूसरे को विकर्ण नहीं काट पाए, ठीक ना। उसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ भी हम इस तरह से कुछ खींच सकते हैं कि एक दूसरे को विकर्ण नहीं काट पाए, ठीक ना। यहाँ ऐसे खींचते हैं, फिर ऐसे खींचेंगे, फिर ऐसे खींचेंगे। अब यहाँ से जैसे ही हम दूसरा एक विकर्ण खींचना शुरू कर देंगे तो यह लाइन जो है एक दूसरे को काटना शुरू कर देगा। तो इस तरह से हमको विकर्ण एकदम नहीं खींचना है, और इस पर हम लोग समझ अपना विकसित करेंगे कि कैसे इसके अंतः कोणों को निकालते हैं। वैसे फार्मूला तो आपके किताब में दिया गया है, वो भी हम बता देंगे, पहले ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अगर आप फार्मूला भूल जाएं तो कैसे आप निकाल सकते हैं एकदम बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो देखिए यहाँ कितना भुजा है, इसमें चार भुजा है, ठीक ना। लेकिन इसमें कितना, इसमें त्रिभुज बना, दो त्रिभुज बना है। इसमें चार भुजा था, ठीक ना, और इसमें त्रिभुज कितना बना, दो छोटे त्रिभुज बना, कितना, दो त्रिभुज बना है। इसमें कितना भुजा है, इसमें जो है पांच भुजा है, और इसमें कितना त्रिभुज बना है, एक दो और तीन, इसमें तीन त्रिभुज बना है, ठीक ना। यहाँ देखिए इसमें कितना आपका भुजा है, इसमें छह भुजा है, और त्रिभुज कितना बना है, एक दो तीन और चार बना है। अगर इसको हम घटाते हैं, घटाने पर इसका आंसर क्या आएगा, आपका दो अंतर आएगा। यहाँ अगर हम घटाते हैं इसका भी अंतर क्या आएगा, दो आएगा। इसका भी अंतर कितना आएगा, दो आएगा। तो इससे आपको क्या पता चला कि जितना इसका भुजा होता है उससे दो ठोक कम इसका त्रिभुज बनता है, यानी चार भुजा था तो इसमें दो त्रिभुज बना, दो ठोक कम बना। यहाँ पर पांच भुजा था तो पांच भुजा में से देखिए कितना इसमें कम बना है, दो ठोक कम बना है, यानी पांच में से दो घटाएँ तो तीन त्रिभुज बना। अगर छः भुजा होगा तो उसमें कितना त्रिभुज बनेगा, तो चार बनेगा, यानी दो कम बनेगा, ठीक ना। देखिए यहाँ दो दो का अंतर पड़ रहा है सब में। अगर इसी तरह से अगर दूसरा भी बनाया जाए, कुछ इस तरह से बनाने का कोशिश करते हैं। इस तरह से देखिए इसमें कितना भुजा होगा, एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ। तो आठ में से हम दो घटा लेंगे, कितना बना, छः बना। एक बार हम देखते हैं बना करके। देखिए इसको हम यहाँ से हम खींचना शुरू करेंगे तो एक को छोड़ करके दूसरे को हम मिलाएंगे, एक बना, फिर दो बना, फिर तीन, फिर चार और पाँच। तो इसमें हम त्रिभुज गिन लेते हैं, कितना त्रिभुज बना है, एक दो तीन चार पाँच और छः। देखिए आ गया आंसर कि आपको छः बनेगा। तो इसी तरह से अगर आपको दिया जाए कि अगर दस भुजा होगा तो उसमें कितना त्रिभुज बनेगा, उसमें त्रिभुज बनेगा आपको आठ। क्यों, क्योंकि उसमें से हम दो घटा लेंगे, क्योंकि दो कम बनता है। अभी हमने समझा कि जितना भी उसमें भुजा होता है उसकी संख्या से दो कम कर लेंगे, हमको पता चल जाएगा कि उसमें कितना त्रिभुज बनता है। अच्छा, तो अब हम इसको निकालने का प्रयास करते हैं कि आखिर निकालेंगे कैसे इसका अंतःकोणों का माप। तो अंतःकोण माप निकालने के लिए देखिए, जैसे चतुर्भुज है, हम यहाँ चतुर्भुज बना देते हैं, चार भुजा है, और इस तरह से हम एक काट दिए, यानी एक हमने इसमें विकर्ण खींच दिया तो दो भाग में बट गया, यानी दो त्रिभुज बन गया। और आपको पता है कि एक त्रिभुज कितना डिग्री का होता है, त्रिभुज जो होता है वह 180 डिग्री का होता है, ठीक ना। अगर कह दे कि चतुर्भुज है, चतुर्भुज यानी कितना है, चार भुजा होगा, और पूछा जाए कि चतुर्भुज में अंतःकोणों का माप कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, अंतःकोणों का माप यानी हमको अगर पता चल जाए कि इसमें कितना त्रिभुज बना है तो हम उसके मापों को निकाल लेंगे। क्योंकि देखिए एक त्रिभुज जो है यह 180 डिग्री का होता है, और दूसरा भी क्या होगा, यह भी 180 डिग्री का होगा। तो इसमें बना है एक ठो और दो ठो, तो ऐसे जोड़ देंगे 180 और 180 कितना हो जाएगा, 360 होगा, यानी 360 डिग्री का बनेगा। लेकिन हम इस तरह से कैसे निकालेंगे, तो चतुर्भुज है यानी चार भुजा होगा, उसमें से हम दो कम कर लेंगे। क्यों, क्योंकि अभी हमने समझा कि चतुर्भुज जो होता है यानी चार भुजा, चार भुजा में से हम दो घटा लेंगे और जितना उसका आंसर आएगा उतना ही उसमें त्रिभुज बनेगा, ठीक ना। तो इसमें से हम दो घटा लेते हैं, ठीक ना, दो घटा लेंगे और क्या करेंगे उसमें, हम क्या करेंगे 180 से गुणा कर देंगे। देखिए तो चार में से दो घटा दिए, कितना हो गया, दो आया, और दो में हम क्या करेंगे 180 से हम गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ गया 360 डिग्री। समझ आया होगा।
अच्छा नहीं समझ में आया, देखते हैं एक ठो और बना करके इस पर हम। यहाँ देखिए पंचभुज है, पंचभुज का मतलब हुआ कि पांच भुजा, ठीक ना। और इसमें कितना त्रिभुज बनेगा, अभी हम लोगों ने जाना कि जितना भुजा होता है उसकी संख्या से दो कम जो होता है ना उतना उसमें त्रिभुज बनता है। तो इसमें से हम दो कम कर लेते हैं और हमको पता चल गया कि इसमें कितना त्रिभुज बनने वाला है, यानी तीन त्रिभुज बनने वाला है। और तीन में हम क्या करेंगे, 180 से गुणा कर देंगे। तो क्योंकि त्रिभुज जो होता है ना, एक त्रिभुज वह 180 डिग्री का होता है, और इसमें हम गुणा कर देते हैं। अगर 18 में हम गुणा करते हैं, 3 से तो क्या होगा, 18 तिहाई 54, यानी 54 लिख दिया, और 0 को छोड़ा था 0 लिख दिया हमने, यानी 540 डिग्री का यह कोण बनेगा। तो इसको फॉर्मूला एक बना देते हैं अपने से कि क्या फॉर्मूला हो सकता है। जैसे एन माइनस टू जो बहुभुज होगा ना, बहुभुज में भुजाओं की संख्या, ठीक ना, एन क्या हो गया, भुजाओं की संख्या, जितना भुजा का संख्या दिया होगा उसमें से हम दो घटा लेंगे, और उसमें क्या करेंगे हम 180 से गुणा कर देंगे, ठीक ना, 180 डिग्री से गुणा कर देंगे। तो उसका निकल जाएगा आपके अंतः कोणों का माप। तो हम ऐसे लिख देते हैं कि बहुभुज, ऐसे लिखते हैं बहुभुज के अंतः, यहाँ लिखते हैं ठीक ना, बहुभुज के अंतः कोणों का माप, ठीक ना। माप क्या हो जाएगा आपका, माप हो जाएगा n माइनस टू और इंटू क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, इस सूत्र पर आप बैठाइएगा और इसका आंसर आपको निकल जाएगा। यहाँ पर n क्या है, n जो है बहुभुज की भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या, ठीक ना, भुजाओं की संख्या है। समझ में आया होगा कि इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूला ये हमने क्या किया, अपने से बनाया है, और किताब में आपका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। किताब में आपका फॉर्मूला दिया हुआ है टू, ठीक ना, टू इंटू एन माइनस टू और गुणा में हम 90 कर देते हैं। हो सकता है आप ये फॉर्मूला भूल जाएं, लेकिन ये आप फॉर्मूला कभी भी नहीं भूल पाइएगा। क्या करना है कि जितना आपसे पूछा जाएगा, भुजा बताया जाएगा, वो भुजा लिखिएगा, उसमें से दो ठो कम कर दीजिएगा, आपको त्रिभुज पता चल जाएगा कि कितना उसमें त्रिभुज बनेगा, और उस त्रिभुज से उस संख्या से आपको क्या करना है, 180 से गुणा कर देना है। 180 इसलिए गुणा करना है क्योंकि त्रिभुज का माप एक जो होता है ना, त्रिभुज के अंतः कोणों का माप आपका 180 डिग्री होता है, इसलिए उतना उससे गुणा कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग समझेंगे बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग, कि बहुभुज का जो होता है बाह्य कोण, उसके हम माप कैसे निकालेंगे। तो त्रिभुज है, अगर हम इस रेखा को आगे इसे बढ़ा दें, ठीक ना, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा बताइए, यहाँ 180 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि एक जो सरल रेखा होता है, यह एक सरल रेखा जो होता है ना, यह कितने डिग्री का कोण बनाता है, यह जो है यह 180 डिग्री का कोण बनाता है। यानी देखिए यहाँ ये जो है, यहाँ पर आपको 180 डिग्री का कोण बन गया। अगर यहाँ इसी तरह से इसको बढ़ा दें तो यहाँ कितने डिग्री कोण बनेगा, यहाँ भी 180 डिग्री का कोण बन गया। उसी तरह से फिर इसको ऐसे बढ़ा दें तो यहाँ कितने डिग्री कोण बन गया, यहाँ भी 180 डिग्री का कोण बन गया, ठीक ना। तो देखिए यहाँ तो हमने क्या किया है कि अंदर वाले को भी लिया है और बाहर वालों को भी लिया है, तब जाके हमने यहाँ पर 180 लिखा है। तो हम क्या करते हैं ना, सबको हम बाहर वाले को भी और अंदर वाले को भी एक साथ हम जोड़ करके लिख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए 180 अंदर बाहर दोनों लिया तो 180 डिग्री, यहाँ भी हमने अंदर वाले को लिया और बाहर वाले को दोनों को ले लिया 180 डिग्री, दोनों को हमने जोड़ लिया। फिर यहाँ भी है क्या है, अंदर वाले कोण को भी और बाहर वाले कोण को भी हमने जब लिया तो कितना आया, 180 डिग्री आया। तो सबको हमने क्या किया, जोड़ लिया। और जोड़ने के बाद क्या करेंगे कि देखिए यहाँ हमने क्या किया था, अंदर और बाहर दोनों को लिया था ना, इसलिए हम बारी बारी से क्या करेंगे, अंदर वाले को सबको घटा लेंगे, ठीक ना। तो अब बताइए कि ये क्या हो जाएगा, अंदर जो होता है ना, ये अंदर का कोण आपको पता है कि त्रिभुज के अंदर जो होता है ना, अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। समझ आया होगा, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, 180 में से 180 हम क्या कर देंगे, कटा देंगे, यानी घट गया, तो कितना बचा, 180, और 180 कितना हो गया आपका, 360 डिग्री हो गया, ठीक ना। यानी आपको पता चल गया कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का माप कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। अच्छा तो देखिए क्या ये चतुर्भुज है, इसमें ज़्यादा होगा, एक बार समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी हम एक लाइन ऐसे बढ़ाते हैं,
और यहाँ खींचते हैं, उसी तरह से इसको बढ़ाते हैं और यहाँ एक बनाते हैं, इसको ऐसे बढ़ाएंगे फिर इसको ऐसे बढ़ा देंगे। अच्छा देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, एक सीधा रेखा बन गया यहाँ। जैसे सीधा रेखा बना तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 180 डिग्री लिख देंगे। यह भी एक सरल रेखा बन गया है, यानी अंदर का भी कोण और बाहर का भी कोण दोनों मिलाया हमने, तो यहाँ भी बन गया 180 डिग्री। यहाँ भी हमने अंदर और सॉरी यहाँ भी हमने क्या किया, अंदर और बाहर दोनों को मिलाया, तो यहाँ भी क्या आ गया था आपका 180 डिग्री आ गया। यहाँ भी अंदर और बाहर दोनों मिलाया एक सीधा रेखा में बन गया, और यहाँ भी आ गया आपका 180 डिग्री। अच्छा तो यहाँ पर क्या होगा, 1, 2, 3 और 4 यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक है कि 180 फिर 180 180 फिर 180, क्यों लिखा कि 4 ठो हमको 180 आ रहा है। उसके बाद हम तो टोटल को लिए हैं ना, अब हमको बाहर का अगर निकालना है तो अंदर वाले को हम सबको क्या कर लेंगे, इसमें से हम माइनस कर लेंगे, जो भी अंदर अंदर जो है उसको माइनस कर लेंगे। अच्छा तो इसका मतलब हुआ कि इस चतुर्भुज के अगर हमको अंतः कोणों का माप अगर मालूम हो तो इसमें से अगर घटा देंगे तो हमको माप उसका निकल जाएगा। तो इसका हम क्या करेंगे, अंतः कोणों का माप कितना होता है, अंतः कोणों का माप अभी आपने जाना कि कितना है, एन माइनस टू और एक लिख देंगे 180, ठीक ना। और जैसे घटाएंगे आपको ये बाह्य कोणों का माप निकल जाएगा। तो 180 कितना हो जाएगा आपका, 18 × 4 = 72, यानी आपको हो गया 720 डिग्री। उसमें से माइनस कर लेते हैं कितना, एन यानी एन क्या है, एन आपको भुजा है, 1, 2, 3, 4 चार भुजा है, तो चार में से हम क्या करेंगे, दो घटा देंगे, दो घटाएंगे तो क्या आएगा आपका, दो आएगा, चार में से दो गया दो और गुणा कर देते हैं 180 से, ठीक ना। जैसे 180 से गुणा किए तो क्या हो जाएगा, ये आपका 360 हो जाएगा। तो 720 में से हम क्या करते हैं, घटाते हैं 18 × 36 यानी 360, और जब 720 में से 360 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 360 डिग्री आ गया। देखिए तो हमने जब त्रिभुज का निकाला तो 360 आया, चतुर्भुज का निकाला तो भी 360 आया। अच्छा जो पंचभुज का निकालेंगे तो क्या आएगा, एक बार यहाँ समझते हैं जो आपको किताब में दिया हुआ है। किताब में देखिए ये कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 180 डिग्री कोण बन रहा है। यहाँ भी देखिए लाइन को बढ़ाया गया, यहाँ भी 180 डिग्री, यहाँ भी 180, यहाँ भी 180, यहाँ भी 180, ठीक ना। इसी तरह से बाह्य कोणों को मापने का एक तरीका होता है। तो एक यहाँ इसको भी हम निकाल देते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो रहे, और आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा खुद से बना करके, ठीक ना। तो यहाँ देखते रहिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 180 हमने लिख दिया, 180, फिर यहाँ देखिए क्या है, यहाँ भी 180 तो लिख दिया हमने 180, ठीक ना। क्या हो गया, ये अब क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पर लिखते हैं, ठीक ना, ये भी बना है 180 डिग्री का कोण बनेगा, एक रेखा बना है, तो यहाँ भी हो गया आपका 180 डिग्री, ये भी क्लियर हो गया। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ भी आपका होगा 180, फिर यहाँ देखते हैं यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ भी हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक ना। अच्छा ये तो हो गया दोनों को मिलाने के बाद। जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पर किया कि सबको निकालने, सबको लिखने के बाद हमने क्या किया, अंतः कोणों को योग जो था उसको हमने माइनस कर लिया, उसी तरह से हमने सबको लिखा बाहर और अंदर वाले को, और अंदर वाले को बाद में उन्हें घटा लिया, तो 360 आया, तो 360 यहाँ आ गया। उसी तरह से यहाँ भी क्या करेंगे कि हमने क्या किया है, अंदर और बाहर दोनों को, यहाँ हमने क्या किया है, अंदर और बाहर दोनों वाले कोणों को हमने जोड़ लिया है, और अब क्या करेंगे, जो इसके अंदर जो कोण बना है ना उसको हम इसमें से हम माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे। तो जैसे घटाएंगे ना तो बाहर वाला हमारा बच जाएगा। तो देखिए अंदर निकालने वाले को क्या किए हमने, अंतः कोणों का योग कैसे निकालते हैं, अभी हमने बताया कि इसमें भुजा गिन लेते हैं, उसमें से दो तो माइनस कर लेते हैं, यहाँ गिनते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, पाँच भुजा है, और पाँच में से कितना भुजा निकालना है, कम कर देना है, दो कम करना है, और दो कम करने के बाद जितना उसका आएगा, जितनी संख्या बचेगी उतना उसका मतलब होगा उसमें त्रिभुज बनने वाला है, ठीक ना। तो पाँच में से जैसे हमने दो कम कर दिया, क्या किया, पाँच में से हमने पाँच में से क्या किया, दो ठो हमने कम कर दिया,
क्यों? क्योंकि हमको त्रिभुज का संख्या निकालना है कि कितना इसमें त्रिभुज आखिर बनने वाला है। तो जैसे हमने 5 में से 2 घटाया तो हमको पता चल गया कि इसमें 3 त्रिभुज बनेगा। जैसे यहाँ देखते हैं बना करके, ऐसे हम इसको मिलाते हैं, ठीक ना, फिर ऐसे हम मिलाते हैं। अब हम इसको अगर बनाएंगे, अगर मिलाएंगे दूसरा कोई, अगर विकर्ण खींचते हैं तो एक दूसरे को काटेगी, इसलिए हम क्या करेंगे, अब दूसरा विकर्ण इसमें नहीं खींचेंगे। तो देखिए त्रिभुज कितना बना, 1, 2, 3, यानी यह 180, यह 180, यह 180, ठीक ना। तो यह हमको अंतः कोण का पता चल गया कि कितना होगा। तो यही हमने क्या किया कि सीधा सीधा हमने 5 में से 2 घटा लिया, ठीक ना, और तो 3 आंसर आ जाएगा। और 3 आंसर जब आएगा यानी 3 त्रिभुज बना, और त्रिभुज का अंतः कोणों का माप कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। इस तरह से हम इसको बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पहले जोड़ लेते हैं, एक एक दो तीन चार पाँच है, ठीक ना, 5 है यानी 18 5 90, यानी 900 डिग्री का कोण बना है टोटल बाहर और अंदर मिला के। अब हम क्या करते हैं, इसको पता करते हैं कि ये कितने डिग्री का कोण बना है, यानी अंदर कितना बन रहा है। तो यहाँ क्या आ गया आपका, 3 आया है, और 3 में हम क्या कर देंगे, 180 से गुणा कर देंगे, तो 18 क्या होता है, 54, यानी 540 डिग्री। क्या हो गया, अंतर यानी अंदर जो है, अंदर इसके कितने डिग्री का कोण बनेगा, 540 डिग्री का कोण बनेगा। उसको क्या करते हैं, हम माइनस कर लेते हैं। अब इसमें से हम 540 को हम डिग्री को माइनस कर लेते हैं, और माइनस जैसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा 360। एक बार देखते हैं यहाँ पर कि आ रहा है कि नहीं। यहाँ हमने 900 लिखा और 540 लिखा, देखिए यहाँ 0 से 0 गया 0, यहाँ हो गया आपका 10, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ क्या बचा आपका, 8, 8 में से 5 गया 3। क्या आ गया आपका, यहाँ भी आपका आ गया 360 डिग्री। तो इससे क्या पता चला कि किसी भी बहुभुज का, ठीक ना, वह भले त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, या आपका षटभुज हो, या सप्तभुज हो, कोई भी भुज हो, अगर बाह्य कोणों का अगर माप पूछे तो आपको डायरेक्टली बता देना क्या है, 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक ना। ये आपको पता चल गया कि बाह्य कोण जो होता है 360 डिग्री का ही होता है, इससे न कम होता है न ज़्यादा होता है। लेकिन जो अंतः कोण था उसको भी हमने बता दिया कि कैसे निकालते हैं, कि जितनी भुजा होती है उसमें से हम 2 कम कर लेते हैं और 180 से गुणा कर लेते हैं, ठीक ना, यानी कि जितना भी भुजा होता है उससे 2 कम उसमें त्रिभुज बनता है, ठीक ना। तो त्रिभुज की माप कितना होता है, 180 होता है, और 180 से उसमें हम गुणा कर देते हैं, हमको अंतः कोणों का माप निकल जाता है। तो आपका ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 3.1 के सभी प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। पहले आप क्या कीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद सभी प्रश्नों को हल करने का कोशिश कीजिए। इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप इसमें से प्रश्नावली 3.1 में बना रहे थे और क्या आपको इसमें दिक्कत हुआ, उस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आप कब कर पाइएगा, जब आप ये मेहनत कीजिएगा, पढ़िएगा घर पे, जब आप प्रश्नावली 3.1 को बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि हमको कहाँ पर कठिनाई हुई और क्या सवाल आपको हम फंसा है, ठीक ना। उस चीज़ों को आप कमेंट में सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और मैं चाहूँगा कि जो प्रश्नावली 3.1 बनाऊँ उसमें सभी चीज़ों को मैं क्लियर कर दूँ और बढ़िया से बारीकी से बताऊं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई डाउट ना हो। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए व्यूअर हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसलिए क्योंकि जैसे ही हमारा वीडियो डलता है ना नया वाला, उसका नोटिफिकेशन उसी को जाता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होता है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और देखिएगा जहाँ बेल बटन है, यानी बेल का जो निशान है, वहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा वहाँ पर एक ऑल करके आएगा, उस ऑल पे आप क्लिक कर लीजिएगा। तो इससे क्या होता है कि जैसे डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन भी उसका चल जाएगा, ठीक ना। तो आप जान पाइएगा कि कब हमने पर्सनली 3.1 का डाला, और आप अपने कन्फ्यूजन को, आप अपने डाउट को क्लियर कर पाइएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो हमारे किसी दोस्त को काम आ सकती है, उसको भी किसी प्रकार का कोई हेल्प हो सकता है, तो उसे भी बताइए और उसे भी शेयर कीजिए। आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों को भी साथ साथ पढ़ाइए, ताकि आपकी दोस्ती बनी रहे।